नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज की वीडियो है 18 मार्च 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर एक है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मिशन पास ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया है। 2021 में लॉन्च किए गए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का उद्देश्य है ऑयल पाम की खेती और कच्चे पाम तेल उत्पादन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर टू है, किसने भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन किया है? तो भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन राजीव चंद्रशेखर ने किया है। तो राजीव चंद्रशेखर ने भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कौशल विकास उद्यमिता और जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किया है और इस सेंटर को सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दिया गया है। तो ये इसे नाम दिया गया है इस सेंटर को। क्वेश्चन नंबर थ्री, किस केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड पहल की घोषणा की? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड पहल की घोषणा किसने की है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड पहल की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर फोर, जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने किस राज्य में स्ट्रेटिग्राफिक कॉलम का अनावरण किया है? तो स्ट्रेटिग्राफिक कॉलम का अनावरण जीएसआई ने किस राज्य में किया है? तो जीएसआई द्वारा आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में स्ट्रेटिग्राफिकल ग्राफिक कॉलम का अनावरण किया है। क्वेश्चन नंबर पांच, असम में 50 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो असम में 50 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा किया गया है। तो ये परियोजना SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड SGL द्वारा विकसित की जा रही है। उद्देश्य है नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए अपना पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू कर रही है? तो भारत सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों को जो कैशलेस चिकित्सा सुविधा है इसे प्रदान करने के लिए जो अपना पायलट प्रोजेक्ट है, तो पायलट प्रोजेक्ट को चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में शुरू करने जा रही है। तो भारत सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा चंडीगढ़ में पायलट कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य है सड़क पीड़ितों को मृत्यु और गंभीर क्षति की संभावना को कम करने के लिए समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर सेवन, मार्च 2024 में किन भारतीयों को डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डायना मेमोरियल अवार्ड से उदय भाटिया और मानसी गुप्ता इन दोनों को सम्मानित किया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, बी और सी दोनों। तो भारत के उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को 14 मार्च 2024 को डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनके साथ ही दुनिया के कुल 20 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो डायना मेमोरियल अवार्ड है इसके बारे में जान लेते हैं। जो ये पुरस्कार है ये राजकुमारी डायना की याद में हर 2 साल में दिया जाता है और इस पुरस्कार
को दुनिया के असाधारण युवाओं को उनके सामाजिक कार्यों या मानवीय सेवाओं के लिए दिया जाता है। लंदन के साइंस म्यूजियम में पुरस्कार समारोह में उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को प्रिंस विलियम से पुरस्कार मिला, और प्रिंस विलियम दिवंगत राजकुमारी डायना के बड़े बेटे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है ये 16 मार्च को मनाया जाता है। तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रतिवर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार 2024 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की थीम रखी गई थी, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का जो इतिहास है 1995 से ये शुरू होता है, क्योंकि इसी वर्ष भारत सरकार ने देश में पोलियो उन्मूलन के उद्देश्य से पहली बार पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की स्थापना की थी, और ये दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल की याद को दिलाता है जो 1988 में शुरू हुई थी। भारत में मौखिक पोलियो वैक्सीन की जो पहली खुराक है ये 16 मार्च 1995 को की गई थी, और इसीलिए 16 मार्च को हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्च 2024 में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रसार भारती का जो अध्यक्ष है नवनीत कुमार सहगल को नियुक्त किया गया है। तो नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं, तो केंद्र सरकार ने 15 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त नौकरशाह नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, और जो नवनीत सहगल है ये प्रसार भारती के 7वें अध्यक्ष बन गए हैं। प्रसार भारती के बारे में जान लेते हैं, तो प्रसार भारती एक वैधानिक स्वायत्त संस्था है, और ये सरकारी प्रसारण केंद्र है, ये देश का सरकारी प्रसारण केंद्र है। जो प्रसार भारती है ये भारत का सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत स्थापित किया गया था, और इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुई थी। प्रसार भारती निगम का जो मुख्य उद्देश्य है दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तता प्रदान करना, ताकि जनता को शिक्षित करने के साथ साथ मनोरंजन भी किया जा सके। प्रसार भारती के माध्यम से सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं को सफलतापूर्वक व्यवस्थित और संचालित करना संभव है। प्रसार भारती के जो पहले अध्यक्ष थे निखिल चक्रवर्ती। तो दोस्तों ये हो गए आज 18 मार्च 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.com। इस वेबसाइट में डेली करंट अफेयर के सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।